हाय गाइस, वेलकम टू संगीतास हेल्थी किचन। टुडे आई विल मेक इडली सांभर एंड कोकोनट चटनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या मैं बना रही हूँ। चलो गाइस, आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। यहाँ पे है इडली और उड़द की दाल। एक कप लूँगी उड़द की दाल, बड़ा बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। फिर इसके बाद मैं ले रही हूँ राइस 2 कप, ये इडली राइस है गाइस। इसके बाद मैं डालूंगी मेथी और पोहा, ये ऑप्शनल है, आपको डालना हो डालें, ना डालना हो तो ना डालें, डालने से इडली सॉफ्ट बनती है। यहाँ पे मैं बाश कर लूंगी अच्छे से 2-3-4 बार, इसके बाद सोख होने के लिए रख दूंगी। फिर इसके बाद मैं उड़द दाल को भी अच्छे से बाश कर लूंगी, दोनों को सोख होने के लिए ओवरनाइट पर छोड़ दूंगी। यहाँ पे उड़द दाल को अच्छे से वाश कर लूंगी, इसका छिलका निकालूंगी। 2-3-4 बार में छिलका निकल जाता है गाइस। यहाँ पे मेरा छिलका निकल गया है, अच्छे से वाश कर ली। यहाँ पे मेरा राइस, पोहा और मेथी है, ये भी अच्छे से सोख हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में इसको ग्राइंड करने के लिए। तो गाइस, यहाँ पे ले ली जार, जार में थोड़ी थोड़ी करके मैं उड़द दाल डालूंगी जो मैं धुल के रखी हुई थी। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें, अच्छे फाइन, एकदम से फाइन पेस्ट बनाए इसका। यहाँ पे मैं निकाल दूंगी एक बड़ा बाउल, उसमें ट्रांसफर कर दी है मेरा राइस, इसको भी अच्छे से फाइन पेस्ट बनाऊंगी। तो गाइस, फर्मेंट होने के लिए रखूंगी ओवरनाइट के लिए। यहाँ पे मैं तुअर दाल ले ली, तुअर दाल को अच्छे से चलती हूँ वाश करने, 1-2 पानी में वाश करूंगी 2 बार। 30 मिनट के लिए मैं इसको सोक होने के लिए रखूंगी। इसके बाद मैं सांभर के लिए भिगो रही हूँ तुअर दाल गाइस, यहाँ वाश कर लें। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको सोख होने के लिए 30 मिनट के लिए रखूंगी। तो गाइस, यहाँ पे प्रेशर कुकर ले ली, प्रेशर कुकर में मैं और दाल डाल दी तुअर की। यहाँ पे पानी डालूंगी, बहुत पानी नहीं डालें गाइस, क्योंकि ये सांभर में डालेंगे हल्दी और नमक थोड़ी सी डाल के थोड़ी सी चला दें, देख लें कितना पानी आपको चाहिए उतना पानी डालें। इसके बाद कवर कर दें प्रेशर कुकर को। तो यहाँ पे गाइस, मैं जो सांभर में सब्जी ऐड करने वाली हूँ, तो ये सब्जियाँ मैं ले ली हूँ, आप देख सकते हैं क्या क्या है। बैंगन है, टमाटो, लौकी और लहसुन, प्याज। यहाँ लौकी बिग पीस में कट कर रही हूँ गाइस। फिर यहाँ पे मैं कढ़ाई ले ली, कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, तो इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मेथी डाल दी और ये है जीरा, ये है मस्टर्ड गाइस, येलो मस्टर्ड है और है हींग, साथ में सबको डाल दूंगी। इसके बाद मैं डाल दी प्याज और खड़ी रेड चिली और ये है करी लीव, इसको साथ में डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ लहसुन, सबको मिक्स करें। तो गाइस, यहाँ पे मैं अच्छे से चला दूंगी, हल्का ब्राउन होने तक ही भुनूंगी। यहाँ पे मैं डाल दूंगी कैरेट ड्रम स्टिक, भुनूंगी क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होते हैं गाइस, तो आगे ही थोड़ी सी डाल के भून लेना चाहिए। इसके बाद मैं डाल दूंगी लौकी और बैंगन साथ में, साथ में भून लें, बहुत ज़्यादा ही ना गलाएं गाइस, क्योंकि ये गल जाएगी तो फिर इसके बाद अच्छा नहीं लगता सांभर। यहाँ पे हल्दी डाल दें, को अच्छे से मिक्स कर दें, इसके बाद क्रंची होने तक ही भुनेंगे। इसके बाद टमाटर डाल दी, टमाटर डालने के बाद यहाँ पे मैं नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार, क्योंकि दाल में मैं ही डाली थी नमक, इसलिए नमक स्वाद अनुसार ही डालें। यहाँ ढक देंगे। तो गाइस, मेरा टमाटो यहाँ पे मेल्ट हो चुका था, तो अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूंगी। ये है सांभर मसाला गाइस, मार्केट का है,
दो चम्मच के लगभग डालूंगी सांभर मसाला। थोड़ी सी जीरा पाउडर डाल रही हूँ, इसको भी अच्छे से भून लेंगे, ऐसे मिक्स करेंगे। इसी स्टेज पर गैस डाल दे पानी। तो गैस यहाँ पे मैं अब डाल रही हूँ इमली का पानी है। पे मेरी दाल एकदम से मेल्ट हो गई है पककर, सांभर में ऐड कर दूंगी। फिर इसके बाद मैं पानी डाल रही हूँ और मुझे पतला चाहिए, आपको जितना चाहिए गाइस उतना ही डालें। मेरा सांभर बॉइल हो गया है गाइस, तो यहाँ पे मैं चला देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं जार ले ली, चटनी बनाने वाली हूँ कोकोनट की। तो यहाँ पे है कोकोनट कट करके रख ली गाइस, रोस्टेड चना, और यहाँ पे है आम, और ये है जिंजर। यहाँ पे साथ में सबको डाल दूंगी। ग्राइंड कर ली गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं। अभी मैं इसमें नमक मिर्ची कुछ भी नहीं ऐड की हूँ। ट्रांसफर कर दें एक बाउल में। यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालें, मिक्स कर दें। तो गाइस यहाँ पे तड़का पैन ले ली, इसमें घी डाल देंगे एक दो चम्मच के लगभग। हींग डाल दें गाइस, फिर रेड चिली, इसके बाद डाल दें मस्टर्ड सीड है येल्लो, और करी लीफ। छांक दें गाइस। तो गाइस यहाँ पे मैं सांभर में भी तड़का लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं मस्टर्ड, वही सेम प्रोसेस मैं सांभर में भी तड़का लगाने वाली हूँ। डाल दें और ढक दें। तो गाइस यहाँ पे इडली जार ले ली, पानी डाल के रख दी गर्म होने के लिए। तो गर्म हो रहा है, चलते हैं इडली बनाने। यहाँ पे इडली कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है बेटर, आप देख सकते हैं। अच्छे से चला दें एक बार ताकि मिक्स हो जाए। इसे ग्रीस करूंगी इडली सांचे को। एक 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 चम्मच डालें गाइस, क्योंकि थोड़ी सी इडली फूलती भी है, तो थोड़ी सी जगह उसको चाहिए फूलने के लिए। मेरा पानी गर्म हो चुका है, तो स्टैंड में मैं डाल के अच्छे से इसका कवर कैप कर दूंगी। वाओ कितने अच्छे से मेरी इडली फुली फुली एकदम से बनी हुई है। तो निकाल दें एक बाउल में, ट्रांसफर कर दें गाइस। स्पंजी एकदम से बनी हुई है मेरा सांभर, चलते हैं। यह सांभर कोकोनट चटनी, और ये है मेरा इडली। अगर मेरी इडली रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट करिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइज़।